हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरभि टेरिस गार्डनिंग। सुरभि टेरिस गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे गार्डन का लुक और थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग और गार्डन में क्या क्या हो रहा है, कैसी ग्रोथ हो रही है, इसकी एक झलक देखेंगे। तो ये देखिए, तरोई के फ्रूट्स अब आने लगे हैं। ये मेरा गर्मी वाला ही पौधा है जिसमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होने लगी है। तो ये ले लेते हैं। अभी मैंने एक करेला भी तोड़ा था और करेले का जो ये पौधा है ये बरसात का है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लिया, इसमें बहुत अच्छे करेले आ रहे हैं। तो ये एक और करेला ऐसे भी मैं तोड़ लेती हूँ। मैं सब्जियाँ जैसे जैसे बड़ी हो रही है मैं तोड़ती जाती हूँ, पेड़ पर उसे बड़ा होने के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो हार्वेस्टिंग ज़रूर कम है, मतलब अभी कम हो रही है, लेकिन मैं क्या इसे फ्रिज में रखती जाती हूँ और जब इकट्ठा हो जाता तो मैं एक साथ बनाती हूँ। तो इकट्ठा हार्वेस्टिंग करने के लिए नहीं छोड़ती हूँ। बैंगन के प्लांट में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, सारे फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ बारिश खूब बहुत ज़्यादा हो रही है, इस कारण से आजकल फर्टिलाइज़र डालने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी सी मिट्टी सूखे तो फिर उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र डालें, और वैसे भी ड्रेनेज होल से सारा फर्टिलाइज़र प्लांट का निकल गया है, पर बारिश का ही पानी काफ़ी पौष्टिक होता है प्लांट के लिए, सबकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अभी मैंने बैंगन का पौधा नहीं लगाया है। ये देखिए बरसात वाला भिंडी, बरसात में जो मैंने भिंडी लगाया था, गर्मी वाला भिंडी का पौधा तो सारा ख़राब हो गया, बहुत अच्छी फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर दिया है अब ये, और बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो गई है। देखिए पौधों की साइज और ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और तरोई में भी अब बहुत अच्छी फीमेल फ्लावर आने लगे हैं, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग, एक साथ बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग अब थोड़े दिनों में मिलेगी हम लोगों को। तो ये देखिए भिंडी का पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसी के साथ फूलों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। तो ये देखिए काफ़ी हेल्दी है, बिल्कुल ठंड में जैसा फूल खिलता है उस तरह का फूल हमारे गुलाब के में आ रहा है। मैंने अभी एक गुड़हल का भी पौधा लगाया है तो वो भी बिल्कुल सेट हो गया है, और उसमें भी फर्स्ट फ्लावरिंग आएगी उसकी। तो ये देखिए, अभी मैंने एक दो दिन पहले लाइव का वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छा लोबिया मैं आजकल हार्वेस्ट कर रही हूँ। समझिए 3-4 ट्रिप मैंने 1-1 किलो से ऊपर लोबिया सब गर्मी के पौधे से हार्वेस्ट किया है। ठंड का पौधा तो अब जाके बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और ये लौकी देखिए, इसे मैंने पोलिनेट तो किया था, हैंड पोलिनेशन भी दिया था, और वो हुआ हुआ पर बारिश इतनी हो रही थी शायद धुल गया है, पोलिनेट नहीं हुआ है। ये मेरे बरसात के लौकी का फर्स्ट फ्रूट था पर ये पोलिनेट नहीं हुआ है, तो ये आगे नहीं जाएगा, अभी सर जाएगा ये इसी तरह से। पर पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, देखिए पत्तियों की साइज़ कितनी अच्छी है। और मैं देखती हूँ, अभी आज तो नहीं हुई है बारिश, मिट्टी सूखेगी वैसे ही मैं सब में फर्टिलाइज़र डालूंगी क्योंकि पौधों को नीड हो रही है, नहीं तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और मेरे 2-3 पौधे लोबिया के बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। ये तो बचा हुआ है, अभी मैंने 3 दिनों से मैं लगातार इससे हार्वेस्टिंग ले रही थी, तोड़ते तोड़ते मैं थक जा रही थी बिल्कुल। लाइव में आप चाहें तो देख सकते हैं, और डेली मुझे 1 किलो और 1.5 किलो की जितना हार्वेस्टिंग मिल रहा था लोबिया से। ये तो कुछ बचा कुचा है जो मैं तोड़ रही हूँ अभी, तो उस समय मैं लाइव में थी तो इसलिए उसका वीडियो अपलोड किया है। ये देखिए मैंने खाद बना के बिल्कुल तैयार रखा है, पर गमला सूखे तो मैं डालूँगी। ये कंडे की जो लिक्विड खाद है वो है, जैसे मेरे गोबर खाद जो होते हैं उसमें बड़े टुकड़े जो होते हैं, बिल्कुल सूखा हुआ मेरा गोबर खाद होता है, तो उसमें का मैं लिक्विड बनाकर उसका फर्टिलाइज़र डालती हूँ पौधों में। तो और अनार में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, देखिए अगर मैं जाल बनवा पाऊँ तो मे बी ये सारे फ्रूट्स बच जाएंगे, नहीं तो इस नहीं तो अगली बार तक तो मैं जाल ज़रूर बनवा लूँगी। ये देखिए सारे फ्रूट्स फ्लावर जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए हैं पोलिनेट होकर, और आप लोग जानते होंगे कि अनार में सेल्फ पोलिनेशन होता है। और आप देख रहे होंगे मेरे भिंडी का पौधा, लौकी का पौधा, सब कुछ बहुत अच्छी ग्रोथ पे है।
इस तरफ की भिंडी के पौधे में देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए इसमें भिंडी बहुत बहुत सुंदर भिंडी बन रहा है, बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये सब देख के और हरियाली देखकर, क्योंकि अभी हम लोगों ने गर्मी में देखा था अपने गार्डन का हाल बहुत बुरा हो गया था और अब ये बरसात में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी मैंने आपको दिखाया है एक पूरा लुक और फिर से एक बार फिर से दिखा देती हूँ कितनी हरियाली है, बिल्कुल जैसे लग रहा है छत पे हम जमीन जैसे।